स्ट्रेस so, किसी भी मटेरियल के ऊपर जब आप लोड अप्लाई कर रहे हो, यू आर सम काइंड ऑफ फोर्स है ना यहाँ पे इस वायर के ऊपर आप डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हो अब जितना फोर्स आपने बहुत पहले क्लास एट या नाइन में पढ़ा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जितना फोर्स लगाते हो वो ऑब्जेक्ट भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगाता है उसे आप फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हो तो चलो लिख लेते हैं ओके सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल डेफिनेशन स्ट्रेस देन आफ्टर वी विल कम टू द टॉपिक एवरी मटेरियल इज इलास्टिक इन नेचर दैट्स व्हाई वेन एवर सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन

कुछ तो या तो लेंथ में चेंज होगा या तो शेप में या तो साइज में चेंज होता है तो जब भी कुछ भी चेंजेस उस ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो ड्यू टू इट्स मॉलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा वो एक रिएक्शन भी क्रिएट करेगा तो डेट इज नोन एज रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस तो स्ट्रेस की डेफिनेशन एक्चुअली क्या हो जाती है कि रेजिस्टेंस अप्लाइड पर यूनिट एरिया है ना तो देखो रेजिस्टेंस यहां पे रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू फोर्स होगा जैसे हमने देखा था शुरू में ही कि फोर्स जितनी ज्यादा आप अप्लाई कर रहे हो मीन जितना ज्यादा लोड आप अप्लाई कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा तो आप सिंपली कह सकते हो मैथमेटिकली स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड अप्लाइड पर यूनिट एरिया दिस इज द साइन ऑफ स्ट्रेस दिस इज लोड Or you can say that force, and this is per unit area. So, this is stress.